सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाते रहने के लिए। शिव मालविया आपका अपने चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमारी कितने टाइप की लॉसेस होती हैं और वो लॉसेस कैसे होती हैं। फ्रेंड्स, दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो आइडियल हो जिसमें कुछ कमियां ना हो। तो हम बस अभी जो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो कमियां, जिसके ट्रांसफार्मर में हमारा नुकसान है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ट्रांसफार्मर में किस किस टाइप की लॉसेस होती हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी बेसिकली ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो हमारा होता है, पहला होता है कोर और आयरन लॉसेस। ये जो कोर लॉसेस कह लें, आयरन लॉसेस कह लें, ये हमारा कॉन्स्टेंट रहता है। अभी इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। और इसके हमारे फ्रेंड्स दो टाइप होते हैं। पहला होता है हिस्टेरेसिस लॉसेस, दूसरा होता है हमारा एडी करंट लॉसेस। तो अभी फ्रेंड्स हम केवल ये जान लेते हैं कि हमारा आयरन लॉसेस में हिस्टेरेसिस लॉसेस और एडी करंट लॉस दो टाइप इसके होते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम स्पेसिफाइड वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे स्पेशली कि हमारा हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है एंड एडी करंट लॉस होता है। एंड जो हमारा सेकेंड वन इज हमारा जो है वो कॉपर आर वेरिएबल लॉसेस। जो हमारा कॉपर लॉसेस होता है वो हमारा वेरिएबल होता है जिसकी की वैल्यू चेंज होती रहती है। फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारा कोई ट्रांसफार्मर है। फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, तो फ्रेंड्स ये जो हमारा कोर लॉसेस होता है जिसे हम आयरन लॉसेस कहते हैं, ये हमारा जो आयरन लॉसेस होता है फ्रेंड्स, ये जो हमारे ट्रांसफार्मर की कोर हो गई, इसके अंदर जो हमारा इस ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर ये जो हमारा कोर है, इस कोर के अंदर जो लॉसेस होते हैं उसे हम कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस कहते हैं। कोर लॉसेस इसे कहते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर का कोर हो गया, इसलिए इसको हम कोर आयरन लॉसेस कह लेते हैं। और ये आयरन हमारे लोहे का बना होता है, इसका मटेरियल जो आयरन होता है, तो इसलिए हम इसको आयरन लॉसेस भी बोल लेते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर में यहाँ पे हमने इनपुट दे दिया, हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग हो गई इसमें हमने इनपुट दे दिया, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगी। अब एक कितनी आउटपुट मिलेगी ये हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा ट्रांसफार्मर मान लीजिए स्टेप अप है तो हमें ज़्यादा मिल पावर वोल्टेज मिलेगी, और स्टेप डाउन है तो हमें कम पावर मिलेगी। तो फ्रेंड्स हमारा वोल्टेज कम मिले ज़्यादा मिले, स्टेप अप हो वोल्टेज का या स्टेप डाउन हो, हमारा जो इस कोर के ऊपर हमारा जो आयरन का लॉसेस है वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। हमारे इस आयरन लॉस में कोई भी किसी भी तरीके की कोई चेंज नहीं होती है, क्योंकि जो हमारा कोर लॉसेस होता है इसको हमारे आउटपुट से हमारे वोल्टेज के जो स्टेप अप हो रहा है स्टेप डाउन हो रहा है हमारे इसके आउटपुट से कोई लेना देना नहीं होता है। इसका जो लॉसेस होता है हमारा आयरन लॉस, मतलब हमारा जो जहां पे भी आयरन लॉस या कोर लॉस की बात आ गई वहां पे हमारा हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस दोनों हमारा उसमें काउंट होंगे। तो फ्रेंड्स जहां पे भी हमारा इसकी बात आ गई, तो हमारा यहाँ पे प्राइमरी में हमने इनपुट दे दिया, हमें यहाँ पे स्टेप अप है तो ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, स्टेप डाउन है तो कम वोल्टेज मिलेगा, और वोल्टेज कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है उससे हमारे आयरन लॉस को कोई लेना देना नहीं होता है। उसकी जो लॉसेज होती है वो कॉन्स्टेंट ही रहेगी, जितनी लॉसेज हो रही है वो उतनी ही रहेगी, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। अब हमने जैसे कि आपको बताया कि हमारे इसे प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड है या नहीं है, स्टेप अप हो रहा है स्टेप डाउन से कोई लेना देना नहीं होता है, हमारा जो कोर लॉस होता है कॉन्स्टेंट ही रहता है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग, इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, आपस में कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है एंड सेकेंडरी वाइंडिंग है। बस इतना होता है, हम यहाँ पे जब इनपुट देते हैं तो हमारे जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके अंदर हमारे फ्लक्स जनरेट होते हैं। जो फ्लक्स जनरेट होते हैं, इन फ्लक्स को जनरेट होने के कारण हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ जो है इंड्यूस्ड हो जाता है। ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है मतलब कि हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में आउटपुट प्राप्त होने लगती है, आउटपुट मिलने लगती है। अब फ्रेंड्स अब क्या है, हमने यहाँ पे इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में हमने सप्लाई दे दिया, यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट कर दिया हमने प्राइमरी वाइंडिंग में, हमने अब यहाँ पे वो हमारा फ्लक्स जनरेट होगा,
वो फ्लक्स जनरेट होगा जिसके कारण हमारा यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर यहाँ पे हमने कोई लोड नहीं कनेक्ट किया जब भी हमारा यहाँ फ्लक्स जनरेट होगा, और हमारा जब हमारा बिना यहाँ लोड कनेक्ट किए भी हमारा फ्लक्स जनरेट हो रहा है, मतलब हमारा फ्लक्स जनरेट हो रहा है, मतलब फ्लक्स जनरेट हो रहा है, जिसका मतलब हमारा डायरेक्टली हो गया कि हमारा जो है लॉसेस होगा, क्योंकि जब जब भी हमारा इसके अंदर फ्लक्स जनरेट होगा तो कुछ ना कुछ हमारे वोल्टेज ड्रॉप होगी, कुछ ना कुछ हमारे लॉसेस होंगे, तो जिस कारण कि हमारा ये जो कॉन्स्ट हमारा कोर लॉसेस होता है कॉन्स्टेंट रहता है, क्योंकि लोड कनेक्ट हो या ना कनेक्ट हो हमारा फ्लक्स बनता रहेगा, और उस जो फ्लक्स बनता रहेगा तो उसमें हमारे जो लॉसेस रहेंगे वो कॉन्स्टेंटली बनी रहेंगी। अब फ्रेंड्स हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं कॉपर लॉसेस के बारे में, कॉपर लॉसेस कह लें या वेरिएबल लॉसेस कह लें। फ्रेंड जो हमारा कॉपर लॉसेस का मतलब होता है हमारा डायरेक्टली इसका मतलब हमारा वाइंडिंग से है। अब ओ वाइंडिंग हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो या सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब हमारी वाइंडिंग के अंदर जो भी लॉसेस होगा वो हमारा कॉपर लॉसेस के अंदर आएगा, और हमारा जो कॉपर लॉसेस होता है फ्रेंड्स ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल होता है मतलब इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है ट्रांसफार्मर की जो का जो लोड होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है, ट्रांसफार्मर का लोड हमेशा वेरी करता रहता है। जैसे मान लीजिए अभी सुबह के टाइम कुछ और होता है, हमारा डे टाइम में कुछ और नाइट में कुछ और हो जाता है, और हमारा शाम के टाइम में देखते हैं कि हमारा एक घंटे जो होता है आपके 7 से 8 का टाइम नॉर्मली हमारा मैक्सिमम लोड उस टाइम पे होता है। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि हमारा बार बार अलग अलग टाइमिंग के अकॉर्डिंग, अब मान लीजिए कभी हमारी गर्मियों के मौसम चल रहे तो हम दोपहर में एसी भी चलाएंगे फ्रिज भी चलाएंगे सब कुछ करेंगे, तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा और हमारी हमारी वोल्टेज डिमांड बढ़ जाएगी, हमारी करंट की जो कैपेसिटी हमारी है लोड की, लोड हमारा बढ़ जाएगा। जब हमारा लोड बढ़ जाएगा तो जितना ज़्यादा हमारा लोड बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारे लॉसेस बढ़ेंगे। हमारा जो लोड है जैसे जैसे हमारा लोड वेरी करेगा वैसे वैसे हमारा जो लॉसेस होगा कॉपर में वाइंडिंग के अंदर जो लॉसेस होगी वो हमारी कम ज़्यादा होती रहेगी। जितना आप ज़्यादा फ्लक्स जनरेटर होगा तो ज़्यादा होगी, कम फ्लक्स जनरेटर होगा तो कम होगी। तो मतलब हमारा ये लोड डायरेक्टली हमारे लोड के ऊपर डिपेंड होता है, अगर लोड हम बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारा जो है लॉसेस कॉपर लॉसेस बढ़ते चले जाएंगे, लोड हम डिक्रीज कर देंगे तो हमारे जो कॉपर लॉसेस होते हैं या फिर वेरिएबल लॉसेस वो कम होते चले जाते हैं। और फ्रेंड्स जो हमारा कॉपर लॉसेस होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग में भी होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी होता है, और ये दोनों कंडीशन में हमारे जो प्राइमरी का हो या सेकेंडरी का दोनों ही हमारे लोड के साथ जैसे जैसे हमारा लोड वेरी करता रहेगा वैसे वैसे हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का जो लॉसेस है वो भी वेरी करता रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो जैसा भी लगा कमेंट कर जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहने के वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।